हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है, आपका कंसेप्ट इजीली अगर आपको क्लियर करना है, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक का नाम है थाइमस। तो ये थाइमस है, एक ग्लैंड है। तो ये टॉपिक अगेन है केमिकल कोऑर्डिनेशन से। तो आज हम लोग दो ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो ग्लैंड है, जो थाइमस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा ग्लैंड है पैनक्रियाज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग थाइमस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसके बाद में उसका फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थाइमस का अगर आपने लोकेशन देखा, तो थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड हार्ट। ये हार्ट के पीछे है, बिहाइंड एओर्टा। और अगर आपने देखा डायग्राम में, इफ यू रिफर टू द डायग्राम, तो डायग्राम में देखो ट्रैकिया के पीछे की तरफ है, एओर्टा है, और ये हार्ट के पीछे की तरफ क्या है, थाइमस है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ थाइमस, राइट। तो ये जो थाइमस है, द थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड हार्ट, बिहाइंड ट्रैकिया एंड एओर्टा। और थाइमस का देखो दो लोब्स है, दिख रहा है यहाँ पे, देर इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो अगर थाइमस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लोब्स है दैट इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल, दिख रहा है ये कैप्सूल। और कैप्सूल से अंदर की तरफ देखो एक सेप्टम जा रहा है, सेप्टम जो क्या कर रहा है, जो थाइमस को छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये सेप्टम को बोलना है आपको इंटरलोबुलर सेप्टम। क्या बोलना है उसको, इंटरलोबुलर सेप्टम। तो बाहर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट है मेडुला। और मेडुला के अंदर अगर आपने देखा यहाँ पे सेल्स है कॉल्ड एज थाइमिक कॉर्पस। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या याद रखना है, थाइमस इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल। ये कैप्सूल को क्या बोलते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, थाइमस को अंदर की तरफ बहुत कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरलोबुलर सेप्टम, या फिर उसको सेप्टे भी बोलते हैं। एक रहेगा तो सेप्टम, एक से ज्यादा रहेंगे तो सेप्टे। तो आपको दिख रहा है ये सेप्टम के यहाँ पे जो लोब्स है उसका आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, अंदर की पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। तो देखो क्या है, इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, आपके थोरैक्स में ऊपर की तरफ है, एंड हार्ट के पीछे मतलब ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। कैसा है, सॉफ्ट है, पिंकिश है, बाइलोब्ड है, आपको दिख रहा है दो लोब्स है, एंड किससे बना है, लिम्फोइड टिश्यू से बना है। तो लिम्फोइड टिश्यू आपको देख रहा है, लिम्फोइड टिश्यू में क्या है, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। तो प्रोमिनेंट ग्लैंड एट द बर्थ, लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, ओके, तो ये जो थाइमस है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट होगा। तो उसको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। थ्रू आउट लाइफ आपके ये थाइमस वैसे का वैसे नहीं रहेगा, अडल्ट में या फिर जब भी आप बूढ़े हो जाओगे तभी ये डीजनरेट हो जाएगा, या फिर उसका साइज कम होता जाएगा। तो उसको बोलते हैं टेम्पररी ग्लैंड। देन ये सिक्रेट कर रहा है एक हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ये थाइमोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज थाइमोसिन का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपको पता है जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दो टाइप्स है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट का तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। लेकिन ए ग्रैनुलोसाइट का दो टाइप है, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो थाइमस में आके मैच्योर होते हैं उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। मतलब ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन के लिए, ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन के लिए किसकी जरूरत है, दैट इज थाइमस की जरूरत है। ये थाइमोसिन हार्मोन है, ये क्या करेगा, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा ये क्या कर रहा है, टी लिम्फोसाइट अगर मैच्योर हो जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोलिफरेशन होगा। टी लिम्फोसाइट के भी चार डिफरेंट टाइप्स है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल।
तो ये किसके वजह से फॉर्म हो रहे हैं, थाइमोसिन के वजह से फॉर्म हो रहे हैं। उसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, एक्चुअली ये पैथोजन के साथ जाके फाइट करते हैं, सो दे आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर सेल खुद जाके फाइट करेंगे तो उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके अलावा ये क्या करता है, प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब जो बी लिम्फोसाइट है उसको स्टिम्युलेट करेगा, और बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। तो एंटीबॉडीज आपके बॉडी फ्लूइड में जाते हैं, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड और लिम्फ में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ह्यूमर, बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर बोलते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये दो मेन फंक्शंस है दैट इज थाइमोसिन के, थाइमोसिन इन्वॉल्व्ड है डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, ये प्रमोट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होता है, बी लिम्फोसाइट, मतलब बी लिम्फोसाइट को स्टिम्युलेट करेगा, और ये जो एंटीबॉडीज है वो किधर जाएंगे, बॉडी फ्लूइड में, ह्यूमर में जाएंगे, ह्यूमर मतलब लिम्फ एंड ब्लड। तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, एंटीबॉडीज। ओके, तो ये हुआ थाइमस के बारे में। तो हम लोग अभी नेक्स्ट ग्लैंड जो डिस्कस करेंगे वो है पैनक्रिया। पैनक्रिया इज द ओनली ग्लैंड विच इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब ये क्या सिक्रेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम। एंडोक्राइन मतलब ये क्या सिक्रेट करेगा, हॉर्मोन रिलीज करेगा। तो पहले हम लोग उसका लोकेशन देखते हैं, और पैनक्रिया डेवलप होता है एंडोडर्म से, ये याद रखो। तो पैनक्रियास का लोकेशन अगर आपने देखा यहां पे, तो पैनक्रिया इज लोकेटेड इन द लूप ऑफ डिओडिनम। तो ये डिओडिनम दिख रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर ये पैनक्रिया इज लोकेटेड। पैनक्रिया कैसा है, लीफ लाइक ग्लैंड, और ये पैनक्रिया से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो डायरेक्टली डिओडिनम में एंटर करेगा थ्रू द हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैनक्रियास का पहला हम लोग एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक्सोक्राइन पार्ट देखा, दिस एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ एसिनाई, सिंगुलर इज कॉल्ड एज एसिनस। तो ये देखो, ये बहुत सारा एसिनस है। एसिनस इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम। दिस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक एंजाइम, एंड दिस पैनक्रियाटिक एंजाइम इज कैरिड आउट बाय वेरी स्मॉल स्मॉल पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होगा, लार्ज पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होगा। तो अगर हम लोग सिंगल एसिनस का स्ट्रक्चर देखा, तो सिंगल एसिनस का स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा, एवरी एसिनस इज मेड अप ऑफ पिरामिडल सेल्स, दिख रहा है ये पिरामिडल सेल्स। तो ये जो पिरामिडल सेल्स है, ये पिरामिडल सेल्स है वो अल्टीमेटली जाके कहां पे ओपन हो जाएंगे, ये डक्ट में ओपन हो जाएंगे, और ये डक्ट क्या कैरी करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस कैरी करेगा। तो ये हुआ दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये हुआ एक्सोक्राइन पार्ट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन पार्ट। हम लोगों ने देखा एंडोक्राइन पार्ट में ये जो एसिना है उसके बीच बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देर आर आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन, दिख रहा है ये एसिना के बीच बीच में देर आर आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन। अभी ये जो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, ये आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन के पास बहुत सारे सेल्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्फा सेल, आपको यहाँ पे दिख रहा है बीटा सेल्स। ओके, उसके अलावा क्या है, देर आर डेल्टा सेल्स भी है, दिख रहा है यहाँ पे डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, उसके अलावा यहाँ पे देखो पीपी सेल्स है। पीपी स्टैंड फॉर पॉलीपेप्टाइड सेल, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, या फिर उसको बोलते हैं एफ सेल। तो ये पीपी सेल, डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये किधर लोकेटेड है, आईलेट्स ऑफ दैट इज लैंगरहैन। तो आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन किधर है, ये एसिनाई के बीच बीच में है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत आजू बाजू में देखो, इट इज सराउंडेड बाय द एसिनाई, और बीच में कहा तो यहाँ पे क्या रहेगा, देर आर आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन।
तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन का देखो पहला सेल यहाँ पे मेंशन किया अल्फा सेल, जो 20% सेल मतलब जितना भी सेल्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में से, उसमें से 20% कौन फॉर्म करेगा? अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकागॉन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? लीवर के ऊपर एक्ट करेगा और लीवर में से ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। आपको पता है ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है जो बना है ग्लूकोज से। अगर ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ तो आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होगा। तो ऑब्वियसली आपको ग्लूकोज क्यों चाहिए? सपोज अगर आपने दिन भर कुछ खाना खाया नहीं, आपका फास्ट है, लेकिन आपके बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, यस और नो? आपके बॉडी को तो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट आएगा इधर से लीवर से, बिकॉज लीवर क्या है? स्टोरेज डिपो है। किसका स्टोरेज डिपो है? ग्लाइकोजन का। वहां पे ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। उसके बाद में क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में आएगा, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो ये ब्लड शुगर बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन। हाइपर ग्लाइसेमिया इज इंक्रीज इन द शुगर। उसके बाद में दूसरा जो है दैट इज बीटा सेल। बीटा सेल है वो 70% फॉर्म करेगा, मतलब जितने भी सेल्स है उसमें से 70% सेल कौन है? बीटा सेल। और ये बीटा सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंसुलिन रिलीज कर रहा है। तो इंसुलिन क्या करेगा? आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम करेगा। मतलब सपोज अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हुआ तो पैनक्रियास को मैसेज जाएगा टू रिलीज इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करेगा? लीवर और मसल को मैसेज देगा यू स्टार्ट सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन, मतलब आप ग्लूकोज है वो यूटिलाइज करो और ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनाओ। मतलब क्या करेगा? वहां पे ग्लाइकोजेनेसिस होगा, और ग्लाइकोजेनेसिस होगा तो आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। थर्ड जो सेल है दैट इज अ डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या है? एक्चुअली ये दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये क्या रिलीज करेगा? सोमैटोस्टैटिन। याद रखो जब भी वर्ड आएगा सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन इज बेसिकली इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा, एंड डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी डिक्रीज करेगा, जो मोटिलिटी है या फिर जो मूवमेंट है एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो डेल्टा सेल कितने सेल्स कितना परसेंट फॉर्म कर रहे हैं? 5% ऑफ द टोटल सेल। तो बचे जो 5 सेल्स है, 5% है, वो कौन फॉर्म करेगा? पीपी सेल, दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, या फिर दूसरा नाम है एफ सेल। कितना परसेंट है? 5% है। सो सीक्रेट द पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, और ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा पैनक्रेटिक जूस। मतलब जब भी पैनक्रेटिक जूस की जरूरत नहीं है तभी उसका सिक्रेशन स्टॉप करने का काम कौन करेगा? ये पीपी सेल। पीपी क्या है? पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, जो पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन स्टॉप करेगा। तो ये हुए वेरियस हॉर्मोन्स के बारे में जो रिलीज कर रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरन। आइलेट्स ऑफ लैंगरन क्या रिप्रेजेंट करता है? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ओके, तो ये हुआ पैनक्रियाज के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैनक्रियाज। डिसऑर्डर से देखो पहला हम लोग देखेंगे ये एक्चुअली इंसुलिन काम करता कैसे है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल्स है, ये सेल्स के ऊपर रिसेप्टर है, दिख रहा है इंसुलिन रिसेप्टर। तो ये इंसुलिन क्या करेगा? ये रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा। तो जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो ग्लूकोज चैनल दिख रहा है आपको, ये ग्लूकोज चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और ग्लूकोज का सेल के अंदर एंट्री होगा और आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होगा। तो ऐसे काम करता है इंसुलिन का। तो अगर सपोज इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू द डायबिटीज, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 में क्या है? देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मतलब आपका जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो ये पहला केस हो सकता है कि इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया या फिर डायबिटीज मेलिटस। सेकेंड क्या है कंडीशन? इंसुलिन तो है, अवेलेबल है, आपको दिख रहा है ये येलो कलर का इंसुलिन है, लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर है ना वो डिफेक्टिव है। तो रिसेप्टर अगर डिफेक्टिव है तो
तो यहाँ पे सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं होगा और ये ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे बाइंड तो हो रहा है लेकिन ग्लूकोज का अंदर एंट्री नहीं हो रहा है, बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम विद द रिसेप्टर, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो ये दो डायबिटीज है, दोनों भी डायबिटीज मेलिटस का टाइप है। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या है, डायबिटीज मेलिटस होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर लेवल बढ़ेगा। कॉमन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियाज है, लीड टू द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। सो देर कैन बी रिड्यूस इन द सिक्रेशन ऑफ द बीटा सेल, अगर इंसुलिन नहीं है तो पहला कंडीशन होगा दैट इज डायबिटीज 1। तो टाइप देखो क्या है, टाइप 1, या फिर उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM। यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन ही नहीं है। ओके, तो इंसुलिन नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया होगा। जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विद द रिसेप्टर, या फिर देर इज अ प्रॉब्लम विद द मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज। तो देखो क्या लिखा है, फेल्यूर ऑफ द इंसुलिन टू फैसिलिट द मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज इन टू द सेल, मतलब सेकेंड में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज अंदर ही नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, सो इट इज गोइंग टू कॉज हाइपरग्लाइसेमिया। तो क्या होगा, रिड्यूस द सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब ये इंसुलिन को जो रिस्पॉन्ड करने का जो सेंसिटिविटी है सेल का वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2, या फिर इट इज कॉल्ड एज NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इजी, तो ये दो टाइप्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो क्या सिम्टम्स है डायबिटीज में, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, वेरी कॉमन सिम्टम, कॉज एक्सेसिव यूरिनेशन, ज्यादा यूरिनेशन होगा, यूरिन में से ग्लूकोज विल बी लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज यूरिया, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी फ्लूड में, बॉडी टिश्यू का, कीटोसिस होगा बॉडी में, क्या होगा, फैट का डिग्रेडेशन होगा, बिकॉज ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो फैट विल अंडर गो ऑक्सीडेशन और उसके वजह से कीटोन बॉडीज डेवलप होगा, इट इज कॉल्ड एज कीटोसिस। तो ये सारे सिम्टम्स है, कैसे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, इंसुलिन अभी मार्केट में अवेलेबल होता है तो ये इंसुलिन का डोज है, डॉक्टर से कंसल्ट करके हम लोग दे सकते हैं और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यू हैव टू रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट इंटेक, उसके वजह से भी ये आपका क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो आपका किडनी फेल्योर भी होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना वो डैमेज होते हैं, सो देर कैन बी चांसेस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, बराबर कि नहीं, या फिर आपका जो न्यूरॉन्स है वो भी डैमेज होता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूरोपैथी। तो ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है विच इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। तो बेसिक जो है वो हम लोगों ने कवर किया है, तो आई होप आपको ये डायग्राम बेस्ड लेक्चर समझ में आया रहेगा। तो ऐसे ही सिंपल लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।